अस्सलामुअलैकुम। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3.2। प्रॉब्लम नंबर 3.2 में हमारे पास है अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज साउंड फ्रॉम डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड। हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसका डेटा फॉर्म करें तो देखिए आपके पास टाइम की वैल्यू दी हुई है 2 सेकेंड्स और डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस मालूम करना है हमें और हमें स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। अब आपको मालूम करना है या डिस्टेंस, तो जो फॉर्मूला आपके पास डिस्टेंस का यहाँ पर इस चार्ट में लिखवाया हुआ है, देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो अब हम ये वैल्यूज़ इसमें डालने से पहले एक दफ़ा स्टेटमेंट देखेंगे क्वेश्चन का। अ पर्सन Hears the echo of his sound from distance hill after 2 सेकेंड। अब जो इसमें डिस्टेंस कवर किया है वॉइस ने, वो डबल किया है। क्यों? क्योंकि इको किस तरह ट्रेवल करती है, जब किसी सोर्स ऑफ साउंड से वॉइस जाके किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है और फिर वापस आती है तो इको प्रोड्यूस होता है। तो जो डिस्टेंस है वॉइस का वो क्या है, एक्चुअली 2s है। तो s की वैल्यू हम लेंगे 2s। अब जब हम वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2s इज इक्वल टू वी इंटू टी। वी की वैल्यू हमारे पास है 330 मीटर पर सेकेंड और टी की वैल्यू है 2 सेकेंड। s हो जाएगा आपके पास वी इंटू टी अपॉन टू। जब हम वैल्यूज डालेंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 330 मल्टीप्लाई बाय 2 over 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी 330 मीटर।